अस्सलाम वालेकुम सिमा। और आज जो है आपके साथ मेरी ये गुफ्तगू होने वाली है। पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, फौजी आमिर का ग्रुप है ये, पाकिस्तानी जिंदेश परदेश। उसमें आपके साथ गपशप होनी है, आपके साथ बातचीत होनी है, चिट चैट होना है। और जनाब, आपकी जो इतनी प्यारी सी शख्सियत है, उसके बारे में हमें अपने सुनने वालों को, देखने वालों को और बहुत कुछ बताना है। तो आपकी जो माशाल्लाह डायनामिक्स पर्सनालिटी है, और आपने जो इतना सारा कुछ किया है, उसके बारे में आज हम गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स पहले फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। और नहीं, और इस कहना चाहिए कि अच्छी चीज के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है, अच्छे टाइम के लिए, अच्छी बातों के लिए। तो आज बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का मुझे, फौजी आमिर के ग्रुप पाकिस्तानी जिंदेश परदेश के लिए। और ये इंटरव्यू आज हो रहा है सीमा, आपकी जर्नी शुरू से, जो आपकी जर्नी है, शुरू से जो आपका सफर है, टीवी से लेके, टीवी के बहुत डिफरेंट कैटेगरीज से लेके, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो पहले मैं चाहूंगी कि सुनने वालों को और देखने वालों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में कुछ बता दीजिए, अपनी पैदाइश के बारे में, ताल्लुक कहाँ से है, उस शुरू की जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज। पैदाइश मेरी लाहौर शहर में हुई, और तालीम मेरी, मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंसेस में। मेरी बहुत डिफरेंट सी फील्ड्स रही हैं। फिर मैंने एनसीएस से वीडियो प्रोडक्शन किया, उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट की, फिर मैंने शेफ ट्रेनिंग में कलरी आर्ट में डिग्रीज ली, और मतलब दो तीन थी इस वजह से मैं डिग्रीज कह रही हूँ। जबरदस्त, और इसमें उसके बाद फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजी किया, लेकिन हायर लेवल पे नहीं किया। हायर लेवल मैंने अब यहाँ आकर स्टार्ट किया है, और अभी क्योंकि कोविड की वजह से फिर सब कुछ जैम हो गया था, तो वो मैंने दोबारा, अब बस जैसे ही बच्चों के स्कूल खुलते हैं, तो आधा करके छोड़ दिया था, बाकी अब मैं कंटिन्यू करूंगी। इसलिए मैं उसकी पाकिस्तानी डिग्री को तो कहती हूँ कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी वाला बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है यूएस में आके, तो वो मैं अब दोबारा से हो रही हूँ। अगर वो आपने काउंट करनी है कर ले। ये तो मतलब सारी बात का लुबे लुबाब ये है कि हमेशा से ये रहा है कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ सीखना है। बस ये बच्चों की वजह से ब्रेक लग गई है, वरना शायद ये जो चंद साल थे, मैं इसमें काफी कुछ कर चुकी होती हूँ। और आपको पता है, जब अब बच्चों का भी जो एक फेज आता है, मेरे लिए क्योंकि मेरी आदत सी है कि हर चीज को करना परफेक्शन के साथ है और पूरे दिल के साथ है, शायद अल्लाह ताला इसी वजह से आपको रास्ते दिखाता है कि भाई अगर तुम्हें शौक है तो फिर चलो जाओ, दिस इज द ग्राउंड, गो फाइंड द न्यू हराइजन। तो वो बेसिकली, अब जब बच्चे आए तो फिर मैंने कहा नहीं, अब इनका काम ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। तो माशाल्लाह 7 साल हो गए, मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, और इन माशाल्लाह, 7 सालों का एक जो ब्रेक था, छोटी छोटी बेटी मेरी 5.5 साल की है, तो इस दौरान मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, सिर्फ घर और सिर्फ बच्चे। और अब इंशाल्लाह इनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर मेरे दोबारा से सारे जो पेंडिंग काम थे वो अब शुरू तो होंगे। बात तो वही है ना कि जिस चीज को भी किया, जिस काम को भी किया, जिस जिम्मेदारी को भी लिया, बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़ी डेप्थ के साथ, तो एज अ मदर रोल और एज अ वाइफ रोल जो किया, तो जाहिर है उसमें भी वही भरपूर तरीके से अपना अंजाम दिया ना, जाहिर बात है। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी टैलेंट की बात होती है दैट यू कैन डू एवरीथिंग, यू नो, बच्चों को भी पाल रहे हैं, एज अ वाइफ परदेश में रह के अपने आप को मसरूफ कर रहे हैं, अपने अचीवमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो शुरू से मैं शुरू करती हूँ सीमा आपके साथ। ये बताइए कि एक्टिंग का शौक बहुत बचपन से था, बहुत शुरू से था, या किसी एक खास जिंदगी के लेवल पे आके, एक जमाने के खास लेवल पे आके, कॉलेज स्कूल से शुरू हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। मेरी बड़ी बहन मुझसे 16 साल बड़ी हैं, मतलब अच्छा हम लोग एक ही अम्मी अबू के बच्चे हैं, लेकिन मेरी वालद के, अक्सर लोग ये कहते हैं क्या है तो क्या है? मैं कहती नहीं, एक ही अम्मी अबू के बच्चे हैं, लेकिन बस अम्मी को पता नहीं ख्याल क्या ख्याल आया, वो बड़ी छोटी एज में मेरी शादी हुई, तो अम्मी की शादी हुई थी, तो अम्मी के पास बहुत टाइम था बच्चों का, तो उन्होंने बड़े सुकून सुकून से बच्चे पैदा। तो मेरी बहन से मुझे मेरी अक्सर मेरी कुटाई हुआ करती थी, और वो इस सही। बात पे होती थी कि तुम हर वक्त शीशा क्यों देखती रहती हो। तो मैं शीशा देख कर ना ऐसे ही अपने इंटरव्यूज बातें अपने आप से करती रहती थी। एक तो एक लोनली भी था, क्योंकि सब बहन भाई मेरे से एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, और मैं एक अकेला सा बच्चा था, और फिर मुझे कोई नहीं मिलता था, तो मैं शीशे में देख के बातें करती रहती थी। मुझे लगा कि उस एक चीज ने, जो कि मेरे घर वालों को और लगती थी कि ये पागल तो नहीं है जो शीशा देख कर बात करी होती, क्योंकि उस दौर में ये चीजें नहीं समझी जाती थी ना कि ये कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने की बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वहां से मुझे लगा कि, इवन कि मैं बड़ी शाये बच्ची थी, बस पढ़ाकू सी, पढ़ने वाली, हर साल फर्स्ट आना है क्लास में, हर हर एकेडमिक अचीवमेंट भी लेनी है, हर उसके अलावा डिबेटिंग सोसाइटी है, ये है वो है, सब सब में कुछ ना कुछ करना है। लेकिन ये नहीं पता था
कि ये कर जाऊंगी। सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता था, उनकी मतलब फैमिली भी किसी और का इंटरेस्ट था शोबिज की तरफ या मेरी 7 पुश्तों में आगे पीछे कोई नहीं आया इस फील्ड के अंदर। और मैं राइट आपको मैं क्या बताऊं कि मेरे वालिद साहब ने एक कोकनाल की मस्जिद बनवाई है जिसमें बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं और सारा उनका फ्री सब कुछ हो रहा है। 100-200 के करीब लोग हैं जिनके खाने पीने का सब, कोई वहां पे बच्चों के असल्ट नहीं होती, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। प्लस 1996 में एक कुर्रा निकलता होता था इस्लामी मुल्कों के नाम से उस जमाने में, अब नहीं। तो पाकिस्तान में लाहौर में हमारी फैक्ट्री को वो एजाज मिला था, हमने खाना काबा का गलाफ पे तिल्ले का काम करके भिजवाया था। तो मतलब वाओ अब आप ये अमेजिंग सोचें कि मेरे अब्बू की सुन्नती तरीके से दाढ़ी और मेरे दोनों भाइयों की भी सुन्नती और वो मूछे गायब वाली और 5 वक्त नमाज तहज्जुद गुजार, सारे हमारे घर में 5 नहीं 7 नमाजें, चाश इशराक और पता नहीं कौन कौन सी तहज्जुद, सारी नमाजें पढ़ी जाती हैं, और मैं इस तरफ को निकल आई। तो वो एक आसान चीज नहीं थी वही लेकिन मतलब कितना कहना चाहिए मुखालिफत फेस की या नाराजगी फेस की, क्या रिएक्शन था घर वालों का, लोग शीशे में देख के बात करने की हद तक ठीक था कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, यू न्यू कि ये हो रहा है, तो मस्ट बी सो डिफिकल्ट मतलब. अच्छा हुआ कुछ इस तरह से कि मुझे लगता है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई टैलेंट आपके अंदर रखा है ना तो फिर वही रास्ते निकालते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं अपने अब्बू से इतना डरती थी कि उनकी तो एक घुड़ी से ना मेरी ये जान निकल जाया करती होती थी, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बल्कि मास्टर्स जब करने की बात आई, मैं अपने बहन भाई में सबसे पढ़ाकू थी, तो बड़ी मुश्किल से मुझे उस चीज की इजाजत मिली थी कि को एजुकेशन है तो को एजुकेशन तो नहीं ना बच्चियों के लिए, यहां तक थी। तो मास्टर्स में जब मैंने टॉप किया और गोल्ड मेडल मिला मुझे, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन किया इसमें नेटवर्किंग में, उसमें भी अच्छी पोजीशंस आई। तो एक घर वालों का ना एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि ये जो करती है ना कर जाती है, इसको बस जुनून की हद तक शौक है, इसमें इतनी एनर्जी है, इसको करने तो उसको रोको ना, कहीं इसकी एनर्जी कहीं उल्टी साइड में ना निकल भी जाए। बात है कि उन्होंने इस चीज को रेकग्नाइज किया और सपोर्ट किया. और वो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू थोड़े पुराने ख्यालात के शायद थे, लेकिन बड़ा